नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको राजा वैन और राजा पृथु की कथा सुनाऊंगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, तब समस्त पृथ्वी मंडल के पाल राजा के अभाव में मनुष्यों को पशु के समान आचरण करते देखकर संसार के शुभ चिंतक भृगु आदि वेदवादी मुनीश्वरों ने वीर माता सुनीता से सलाह लेकर मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वैन का ही भूमंडल के राजपद पर अभिषेक कर दिया। उस दुर्दंड वैन के राजासन पर आरूढ़ होने का समाचार सुनकर सब दस्यु सर्प से डरे हुए चूहों की भांति तत्काल जहां तहां गायब हो गए। राज्य सिंहासन पाने के बाद वैन आठों लोकपालों के ऐश्वर्य मद से उन्मत्त हो और अतिशय दंडता पूर्वक अपने को सबसे बड़ा मानकर मुनीश्वरों का तिरस्कार करने लगा। इस तरह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर राजा वैन निरंकुश गजराज की तरह रथ पर आरूढ़ हो पृथ्वी तथा आकाश को जैसे कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। उसने राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी द्विज कभी कोई यज्ञ दान तथा हवन आदि ना करे। इस तरह उसने सब धर्म कर्म बंद कर दिए। दुराचारी वैन के कुकर्म देख और प्रजा पर संकट उपस्थित हुआ समझकर मुनीश्वरों ने कृपावश एक स्थान पर एकत्रित होकर आपस में परामर्श करते हुए कहा, दोनों ओर से जलती लकड़ी के बीच में रहने वाले पिपलीक आदि जीवों के समान इस समय राजा तथा लुटेरों दोनों से ही संसार में एकाएक महाभय उपस्थित हुआ है। अराजकता के भय से ही हमने इस वैन को योग्य न होने पर भी राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय होने लगा है, तो अब कैसे जीवों को सुख मिले। दूध से सर्प का पोषण करने समान अब इसका पोषण करना भी पोषणकर्ता के ही अनर्थ का कारण बन गया है। वास्तव में सुनीता के गर्भ से उत्पन्न ये वैन स्वभाव से ही दुष्ट है। हमने तो इसे प्रजा का पालन करने के लिए राजपद पर अभिषिक्त किया था, किंतु ये उस प्रजा को नष्ट कर डालना चाहता है। फिर भी हम इसे समझाएंगे जिससे इसके किए हुए पापों का हमसे स्पर्श न हो पाए। हमने जानबूझकर इस दुराचारी वैन को राजा बनाया था, अतः यदि वह समझाने बुझाने पर भी हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के अधिकार से ही दग्ध इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर डालेंगे। ऐसा विचार कर जिनका क्रोध गुप्त था वे मुनिजन राजा वैन के पास जाकर और उसे शांतिपूर्वक समझाते हुए बोले, हे राजन, हम जो कुछ कहते हैं वह ध्यान देकर सुनो। हे तात, इससे तुम्हारी आयु शक्ति और कीर्ति बढ़ेगी। देखो, मनुष्यों के द्वारा मन वाणी शरीर तथा बुद्धि से आचरण किया गया धर्म निष्काम पुरुषों को शोक रहित लोक तथा अनंत मोक्ष प्रदान करता है। अतः प्रजा का कल्याण रूपी वह धर्म तुम्हारे कारण नष्ट न होने पाए, क्योंकि उसके नष्ट होने से राजा का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। हे राजन, दुष्ट मंत्री तथा चोर आदि से प्रजा की रक्षा करता हुआ न्याय अनुकूल कर लेने वाला राजा इस लोक तथा परलोक दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य या नगर में वर्ण आश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुषों द्वारा धर्म पालन से भगवान यज्ञ पुरुष का यजन होता है, हे महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से विश्वात्मा और भूत भगवान सब प्रसन्न रहते हैं। उन जगदीश्वरों के भी ईश्वर नारायण के प्रसन्न होने पर कौन वस्तु दुर्लभ रह सकती है। इंद्र आदि लोकपालों सहित सभी लोकपाल तक आदर पूर्वक उसे भेंट देते हैं। भगवान सब लोक लोकपाल तथा यज्ञ के स्वरूप हैं। वे वेद त्रय रूप, द्रव्य रूप और तपोरूप हैं। हे राजन, जो लोग तुम्हारा उत्कर्ष करने के लिए उनका अनेक प्रकार के यज्ञों से यजन करते हैं वो तुम्हें उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए। यदि तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण आदि द्विजों के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान किया जाएगा तो हरि के कला स्वरूप देवता लोग प्रसन्न होकर तुम्हें इच्छित फल देंगे। हे वीर, तुम्हें देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वैन ने कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, तुमने अधर्म को ही धर्म मान लिया है, क्योंकि तुम अपने पालक मुझ राजा को त्याग कर जारतुल्य अन्य पति परमात्मा की आराधना करते हो। जो मूर्ख प्राणी राजा रूपी परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं वे इस लोक और परलोक में कहीं भी सुखी नहीं रहते। जैसे अपने पति से प्रेम न रखने वाली कुलटा स्त्री जार पुरुष में प्रीति होती है, वैसे ही स्वामी के स्नेह से रहित तुम लोगों की जिसमें इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष कौन है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र वायु यम सूर्य मेघ कुबेर चंद्रमा पृथ्वी अग्नि तथा वरुण
ये तथा वर और शाप देने में समर्थ अन्य देवता भी राजा के शरीर में विद्यमान रहते हैं। इसी से राजा सर्व देवमय माना जाता है। हे विप्रगण, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सब कर्मों द्वारा मेरा ही यजन करो, मुझे ही बलि अर्पण करो। मुझसे बढ़कर और कौन पुरुष अग्र पूजा का अधिकारी होगा? मैत्रेय जी कहने लगे, इस तरह जिसकी बुद्धि विपरीत हो गई थी उस महापापी तथा कुमार्गामी बेन ने बार बार नम्रता पूर्वक समझाने बुझाने पर भी मुनियों की प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका पुण्य क्षीण हो गया था। हे विदुर, अपने को पंडित समझने वाले उस बेन से इस तरह अपमानित होकर तथा अपनी कल्याणकारिणी मांग व्यर्थ हुए देखकर वे सब ब्राह्मण उस पर कुपित हुए। वे बोले, ये महापापी स्वभाव से बड़ा दुष्ट है, यदि ये जीवित रहा तो कुछ ही दिनों में सारे संसार को भस्म कर डालेगा, अतः आप इसे मार डालिए, इसे मार डालिए। ये दुराचारी कभी भी राज सिंहासन के योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये निर्लज साक्षात यज्ञपति विष्णु का निंदक है। जिनकी कृपा से ऐसा ऐश्वर्य मिला है उन हरि की पापी वेन को छोड़कर और कौन निंदा कर सकेगा? इस तरह अत्यंत क्रुद्ध होकर उसे मारने का विचार करके उन मुनीश्वरों ने भगवान की निंदा करने से हतप्राय राजा वेन को हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका वध करने के बाद जब वे मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए तो सुनीता शोकाकुल होकर मंत्र आदि के बल से पुत्र के शरीर की रक्षा करने लगी। एक दिन वे सब मुनीश्वर सरस्वती नदी के जल में स्नान करके अग्निहोत्र से निवृत्त होकर नदी के किनारे बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। एकाएक सब लोगों को भयभीत करने वाले महान उत्पात होते देखकर वे कह रहे थे, पृथ्वी के अनाथ हो जाने से उसे दस्युओं के हाथों पीड़ित तो नहीं होना पड़ गया। वे सब मुनि ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने लोगों का धन लूट लूट कर इधर उधर भागने वाले चोरों के कारण बड़ी धूल उड़ती देखी। उसे उन्होंने राजा के न रहने पर लोगों का धन लूटते और एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले लुटेरों का उपद्रव समझकर अराजकता से बलहीन तथा चोरप्राय लोगों को उनका दोष देखने वाले मुनीश्वरों ने सब तरह से असमर्थ होकर भी रोका नहीं। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी तथा शांत स्वभाव का हो तो भी दीन जनों की उपेक्षा करने के कारण उसका ब्रह्म तेज वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे फूटे घड़े में जल बह जाता है। राज ऋषि अंग का वंश इस तरह समाप्त होने लायक नहीं है, क्योंकि इस वंश में कितने ही अमोघ बलशाली और भागवत प्राण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय करके उन मुनीश्वरों ने मरे हुए राजा वेन की जांग को बड़े जोरों से मथा। इस तरह मंथने पर उससे एक बौना मनुष्य उत्पन्न हुआ। वे पुरुष कोवे के समान काला था। उसके सारे अंग तथा उसकी भुजाएं बहुत छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश ताम्र वर्ण के थे। जब उस पुरुष ने अति दीन और नम्र होकर ये कहा कि मैं क्या करूं, तब ऋषि बोले, हे तात, निषीद अर्थात बैठ जा। वह निषाद हो गया। उस पुरुष ने जन्म लेकर दिवंगत राजा वेन के भयंकर पाप हर लिए थे। इसी से उसके वंशधर वन तथा पर्वतों के निवासी निषाद यानी भील कहलाए। राजा पृथु का जन्म। दोस्तों, अब यहाँ से राजा पृथु के जन्म की कथा शुरू होती है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इसके बाद जब फिर ब्राह्मणों ने मंथन किया तो उस पुत्रहीन राजा की भुजाओं से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। इस तरह उत्पन्न वह जोड़ा देख और उसे भगवान की कला से उत्पन्न समझकर वे ब्रह्मवादी मुनीश्वर बोले, ये पुरुष विष्णु भगवान के संसार को पालन करने वाली कला से प्रकट है और ये स्त्री हरि से कभी भी अलग न रहने वाली लक्ष्मी का अवतार है। इसीलिए ये पुरुष राजाओं में सर्वप्रथम होगा और अपना सुयश स्थापित करेगा। ये महायशस्वी पृथु नाम का राजा होगा। ये सुंदर दांतों वाली, गुण और आभूषणों को भी अभूषित करने वाली एवं उत्तम कोटि प्रदेश वाली अर्ची नाम की स्त्री इस पृथु को ही अपना पति चुनेगी। ये साक्षात हरि का अंश ही संसार की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुआ है और ये देवी भगवान से कभी भी अलग ना रहने वाली तथा निरंतर उन्हीं की सेवा में तत्पर साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, इस तरह पृथु के अवतार लेने पर सब ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगे, गंधर्व श्रेष्ठ गाने लगे, सिद्ध जन पुष्पों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। उस समय आकाश में शंख, मृदंग तथा दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे तथा देवता ऋषि और पितरों के समूह वहां आए। तब जगतगुरु ब्रह्मा ने इंद्र आदि देवताओं के साथ आकर वेतनय पृथु के दाहिने हाथ में
विष्णु की हस्त रेखाएं तथा चरणों में कमल का चिन्ह देखा, जो उनको हरि का अंश समझा, क्योंकि जिस किसी के हाथ में अन्य रेखाओं से ना मिला हुआ चिन्ह विद्यमान रहता है वह साक्षात भगवान का अंश हुआ करता है। इसके बाद वेदवादी ब्राह्मण ने महाराजा पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब ओर से अभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा संपूर्ण प्राणियों ने उन्हें भांति भांति के उपहार दिए। इस प्रकार राज्याभिषेक होकर महाराज पृथु ने सुंदर वस्त्र धारण किए और तरह तरह के अलंकारों से सुसज्जित अपनी प्रिया अर्ची के साथ दूसरी अग्निदेव के समान सुशोभित हुए। हे वीरवर विदुर, उन्हें कुबेर ने अति सुंदर स्वर्णमय सिंहासन और वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र अर्पण किया था, जिससे पानी की बूंदें टपक रही थी। इसी तरह वायु ने दो चंवर, धर्म ने कीर्तिमय माला, इंद्र ने सुंदर मुकुट, यम ने यमनशील दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, उनकी प्रियतमा लक्ष्मी ने निश्चल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्रमाओं के चिन्ह वाली तलवार, पार्वती ने 100 चंद्रमा के चिन्हों से चिन्हित ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा ने सुंदर रथ, अग्नि ने सींगों का बना धुआ दृढ़ धनुष, सूर्य ने किरण रूपी बाण, पृथ्वी ने चरण पर स्पर्श होते ही इच्छित स्थान पर पहुंचाने वाली खड़ाऊं भेंट की। बाद में सूत, माग तथा बंदी जन उनकी स्तुति करने के लिए आए। तब उन स्तुति करने वाले बंदी जन आदि को लक्ष्य करके परम प्रतापी महाराज पृथु ने प्रसन्नता पूर्वक बादल के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे सूत, हे मागध, हे सौम्य बंदीजन, यद्यपि अभी तक लोक में मेरा कोई गुण प्रकट नहीं हुआ है, तब आप लोगों द्वारा की गई मेरी ये स्तुति किन गुणों के सहारे टिक सकती है? मेरे विषय में आप लोगों का वचन बेकार ना हो। अतः मृदुभाषी बंदीगण, मेरे प्रछन्न गुणों के प्रकट होने पर ही आप लोग मेरी स्तुति करें, क्योंकि सभ्य पुरुष पवित्र कीर्ति भगवान के परम पवित्र गुणवाद को छोड़कर तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं करते। महान गुणों के धारण करने में समर्थ होकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके ना होने तक संभावना मात्र से स्तुति करने वालों के द्वारा अपनी स्तुति को प्रसन्न मन से सुनेगा? क्योंकि इस प्राणी में आमुक गुण विकसित हो जाएंगे। ऐसी स्तुति के द्वारा जो अपने को बड़ा मान बैठता है वे दुर्बुद्धि मनुष्य लोगों द्वारा किए जाने वाले अपने उपहास को नहीं समझ पाता। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, इस तरह अपने गुण तथा कर्मों के वर्णन से उन बंदी जनों से प्रशंसित होने पर राजा पृथु ने उनकी प्रशंसा कर और उन्हें वस्त्र, भूषण आदि इच्छित वस्तुएं देकर प्रसन्न किया। तब उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों तथा सभी भिन्न भिन्न व्यवसायियों और मंत्रियों का सत्कार किया। विदुर ने कहा, हे भगवान, जिस पृथ्वी को महाराजा पृथु ने दुहा था उसने अनेक रूप धारण करने में समर्थ होते हुए भी गो का ही रूप क्यों धरा? उसके दुहने के समय बछड़ा कौन बना और उससे उन्होंने दुहा क्या था? जो भगवती पृथ्वी देवी पहले स्वभावतः ऊंची नीची थी उन्हें समतल कैसे किया और देवराज इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा क्यों चुराया? हे ब्राह्मण, अंत अवस्था में ब्रह्मज्ञानी सनत कुमार से यज्ञ उपदेश प्राप्त करके वे महर्षि किस गति को पहुंचे? इनके अतिरिक्त जिन्होंने पृथु रूप से पृथ्वी को दुआ था, ऐसे कीर्तिमान भगवान कृष्ण के उस पृथु अवतार से संबंध जो और भी पवित्र चरित्र हों वे सब आप मुझे सुनाएं, क्योंकि मैं आप और भगवान श्री कृष्ण का अनुरक्त भक्त हूँ। सूत जी बोले, इस तरह भगवान वासुदेव की कथा के लिए विदुर से प्रेरित होकर मैत्रेय उनकी सराहना करते हुए बड़े प्रसन्न मन से बोले, हे प्रिय, जब ब्राह्मणों ने पृथु का राज्याभिषेक करके उनसे कहा कि तुम जनता के रक्षक हो, तब पृथ्वी के अनहीन हो जाने के कारण भूख से दुर्बल शरीर वाले प्रजाजनों ने आकर महाराज पृथु से निवेदन किया कि हे राजन, आप हमें जीविका दान देने वाले हमारे स्वामी और शरणागतों के रक्षक हैं, अतः अब हम आपकी शरण में आए हैं। आप सब लोगों के रक्षक और हमें जीविका देने में समर्थ हैं, अतः हे राज राजेश्वर, हम अन्न के अभाव में मर ना जाएं, उससे पहले ही आप हम क्षुधा पीड़ितों को अन्न दान कीजिए। मैत्रेय ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, प्रजा का ये करुण क्रंदन सुनकर पृथु ने बहुत देर तक विचार किया, तब उन्हें पृथ्वी के अनहीन होने का कारण ज्ञात हुआ। अपनी बुद्धि से कारण समझ करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर नाशक शंख की भांति
अत्यंत क्रुद्ध होकर पृथ्वी को लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ाया। इस प्रकार महाराज पृथु को शस्त्र संभाले देखकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके कांपती हुई व्याघ्र के भाई से भागती हुई हिरणी के समान बड़े वेग से भागी। इधर महाराजा पृथु क्रोधवश आंखें लाल किए और धनुष पर बाण चढ़ाए। जहां जहां पृथ्वी भाग कर गई वहीं वहीं उसके पीछे पीछे भागते गए। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी तथा उनके बीच वाले अंतरिक्ष आदि में दौड़ती हुई पृथ्वी देवी ने सब जगह महाराज पृथु को हथियार साधे अपने पीछे आते देखा। जैसे मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा पाता वैसे ही पृथ्वी को संपूर्ण संसार में वेन सुमन महाराज पृथु से बचाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब भय के मारे दुखित होकर वह फिर पीछे फिरी और पृथु से बोली, हे धर्मज्ञ, हे शरणागत वत्सल राजन, आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आपने तो सब प्राणियों की रक्षा करने का भार लिया है, तब मुझ दुखिया और निरापराधनी को आप मारना क्यों चाहते हैं? इसके अतिरिक्त आप बड़े धर्मज्ञ भी कहलाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध क्यों करना चाहते हैं? यदि स्त्रियों से कोई अपराध हो जाए तो साधारण जीव भी उन्हें नहीं मारते। फिर हे राजन, आपके समान दयालु और दीन वत्सल पुरुष तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। हे राजन, जिसमें सारा विश्व सुहाया हुआ है, पृथ्वी रूप मुझ सुदृढ़ नौका को नष्ट करके आप अपनी सारी प्रजा को कैसे जल पर स्थिर कर पाओगे? राजा पृथु बोले, हे पृथ्वी, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तू यज्ञ में भाग लेती है किंतु उसके बदले में हमें अन्य रूपी धन नहीं प्रदान करती, अतः मैं अवश्य तेरा वध करूँगा। तू सदा चारा तो खाती है किंतु औषधि रूप दूध नहीं दुहने देती। तेरी जैसी दुष्टा को दंड देने में कोई अपराध नहीं है। तेरी बुद्धि बड़ी मंद है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित औषधि तथा बीजों को अपने में छिपा लिया है। अब मेरी कुछ भी चिंता न करके उन्हें तू अपने गर्भ से नहीं निकाल रही है, अतः अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे वध से इन क्षुधातुर तथा दीन प्रजाजनों का दुख दूर करूँगा। जो अधम जीव अपना ही प्रशंसक होता एवं अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी व्यवहार करता है, वे पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, राजा के लिए उसका मारना भी ना मारने के समान ही माना जाता है। सो माया से ही गोरूप धारणी तुम अत्यंत अभिमाननी के टुकड़े टुकड़े करके मैं अपने योग बल से ही सब प्रजा को धारण करूँगा। इस तरह काल के समान अत्यंत क्रोध मूर्ति दिखाने वाली महाराजा पृथु को प्रणाम करके पृथ्वी ने उनसे हाथ जोड़कर थरथर कांपती हुई बोली, जो माया से विविध प्रकार के शरीर धारण करते उन निर्गुण स्वरूप परम पुरुष को मेरा प्रणाम है। जिन संसार रचने वाले प्रभु ने मुझे सब स्थावर जंगम प्राणियों के रहने के लिए रचा है और जिनसे ये समस्त गुणमय सर्ग उत्पन्न हुआ है, अब वे ही स्वाधीन भगवान शस्त्र उठाकर मुझे मारने के लिए उद्यत हैं, तो अब मैं किसकी शरण में जाऊँ? जिन्होंने कल्प के आरंभ में अपने आश्रित अपनी माया से ये चराचर संसार रचा और उस माया ही के द्वारा जो इसका पालन करने के लिए उद्यत है, वही धर्म गोप्ता भगवान कैसे मुझे मारने के लिए तैयार हैं? इस तरह जो एक समय बारह रूप से पृथ्वी को धारण किए थे वही आप अब पृथु होकर आए हैं और जल के ऊपर नौका रूपी मुझ में रहने वाली प्रजा की रक्षा के लिए मैंने दूध नहीं दिया, इस तनिक से अपराध के लिए आप मुझे मारना चाहते हैं? मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, कांपते अधर पुट वाले महाराज पृथु की इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी ने भयभीत हो अपना मन विचार पूर्वक रोककर उनसे कहा, हे राजन, आप अपना क्रोध शांत करें जिससे मुझे अभयदान मिले। साथ ही आप मेरी ये बात सुने, प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष भंवरे के समान सभी जगह से केवल सार भर ग्रहण करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत से उपाय देखे हैं। उन पूर्व दर्शित उपायों का जो पुरुष श्रद्धा के साथ भलीभांति अवलंबन करता है वे बड़ी सरलता से इच्छित फल पा लेता है। जो तार्किक पुरुष उनका आदर न करके अपने कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और यत्न बार बार निष्फल होते हैं। हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा ने जो औषधियाँ रची थी उन्हें मैंने देखा कि यम नियम आदि का उल्लंघन करने वाले दुराचारी मनुष्य खा रहे हैं। सब लोगों के रक्षक आप राजाओं ने मेरा पालन तथा आदर करना छोड़ दिया है, इससे आज सब लोग चोरों जैसे हो गए हैं। सो यज्ञ की रक्षा के लिए ही मैंने उन औषधियों का उद्धृत कर लिया था। अधिक समय हो जाने से वे औषधियाँ मेरे उदर में कुछ क्षीण हो गई हैं।
आप पूर्वाचार्यों के बताए हुए उपाय से उन्हें निकाल लीजिए। हे सर्व प्राणी प्रतिपालक, यदि आपको सब प्राणियों का बल बढ़ाने वाले अन्न की इच्छा हो तो हे वीर, आप किसी को मेरा बछड़ा बनाइए, जिसके प्रेम से मैं दुग्ध रूप आपके इच्छित पदार्थों को देने में समर्थ हूँ, और फिर वह दूध रखने योग्य पात्र और किसी दूहने वाले को भी खोजिए। हे राजन, पहले आप मुझे समतल करिए, जिससे इंद्र का बरसाया हुआ जल वर्षा ऋतु के बीत जाने पर सर्वत्र भरा रह सके। इससे आपका बड़ा कल्याण होगा। इस तरह पृथ्वी के कहे प्रिय और हितकारी वचन मानकर राजा पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ रूपी पात्र में पृथ्वी रूपिणी गौ से सब औषधियों को दो लिया। पृथु के समान विद्वान सब जगह से सार का भाग ले लेते हैं, अतः उनके दूहने के बाद और सब लोगों ने पृथु द्वारा अपने वशीभूत की हुई उस पृथ्वी को अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप धोया। हे साधु श्रेष्ठ, तब ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर अपने इंद्रिय रूपी पात्र से वेद रूपी पवित्र दूध धोया। स्वर्ग के देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर अपने स्वर्णमय पात्र में अमृत वीर्य अर्थात मनोबल, ओज यानी इंद्रियां, बल और बल अर्थात शरीर बल रूपी दूध दुहा। दैत्यों और मानवों ने दैत्यपति प्रहलाद को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में सुरा और आसव रूपी दूध दुहा। सब गंधर्वों और अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बनाकर कमल रूपी पात्र में गान संबंधी मधुरता तथा सुंदरता रूपी दूध दुहा। श्रद्धा के अधिकारी देवता महाभाग पितरों ने आर्यमा रूपी बछड़े के द्वारा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक काव्य रूपी दूध दुहा। सभी सिद्धगणों तथा विद्याधरों आदि ने कपिल देव को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अष्ट सिद्धि आदि देवताओं को दूध रूपी में दुहा। इसके अतिरिक्त दूसरे मायावियों ने माया दानव को बछड़ा बनाकर और शरीर को अंतर्ध्यान करके विचित्र रूप धारण करना आदि धारणमय विद्याओं को धुआ। इसके बाद उन कन्या वत्सल महाराज पृथु ने अत्यंत संतुष्ट होकर सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली पृथ्वी को अपनी पुत्री समझा। इसके बाद परम समर्थ महाराजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से सब पर्वतों को फोड़कर सारे भूमंडल को समतल कर दिया। तब पिता के समान प्रजा को जीविका देने वाले महाराज पृथु ने इस पृथ्वी पर जहाँ तहाँ ग्राम, पुर, नगर, दुर्ग, भीलों के रहने योग्य स्थान, पशुशालाएं, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पर्वतों की तलहटी के गांव बसाकर सबको यथा योग्य निवास स्थान प्रदान किया। राजा पृथु के पहले इस भूमंडल पर कहीं भी शहर, गांव आदि की कल्पना नहीं की थी। पृथु का अश्वमेघ यज्ञ। मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर महाराज मनु के उस ब्रह्मवर्त क्षेत्र में राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। बाद में अपने ही अंश स्वरूप महाराजा पृथु का महान उद्योग देकर इंद्र को ये यज्ञ महोत्सव असहाय हो उठा। उसमें सबके अंतरात्मा तथा सबके गुरु साक्षात यज्ञपति विष्णु भगवान, जिनकी कीर्ति गंधर्व, मुनि तथा अप्सराएं गाती हैं, ब्रह्मा महादेव अनुचरों और लोकपालों के साथ आए थे। अनेक सिद्ध, विद्याधर, दैत्य दानव, नंद सुनंद आदि भगवान के मुख्य मुख्य पार्षद और सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहने वाले कपिल, नारद, दत्तात्रेय तथा सनकादि योगेश्वर भी उनके यहाँ आए हुए थे। हे भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को प्रदान करने वाली पृथ्वी ने कामधेनु का रूप धारण करके यजमान की सब कामनाएं पूर्ण की। नदियाँ दूध, दही, अन्न तथा गोरस आदि सब रसों को बहाकर लाती थी, जिनमें मधु चू रहा था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष भांति भांति के फल फूल उत्पन्न कर रहे थे। उस यज्ञ में समुद्र बहुतेरी रत्न राशियां, पर्वतगण चार प्रकार के अन्न तथा लोकपालों सहित सब लोग अनेक प्रकार के उपहार अर्पण करते थे। इस तरह जिनके स्वामी एकमात्र विष्णु भगवान ही थे, उन महाराज पृथु के इतने उत्कर्ष को सहन न कर पाने के कारण भगवान इंद्र ने उसमें विघ्न डाल दिया। जब महाराज पृथु अपने अंतिम यज्ञ से यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, तभी इंद्र ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उसके यज्ञ का घोड़ा चुरा कर भागे। तब अत्रि ने अधर्म में ही धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाले कवच के समान पाखंड वेश को धारण करके आकाश मार्ग से घोड़ा लेकर शीघ्रतापूर्वक भागते हुए इंद्र को देख लिया। उसी समय अत्रि मुनि की प्रेरणा से राजा पृथु का महारथी पुत्र
इंद्र को मारने के लिए अत्यंत क्रोधपूर्वक दौड़ा और खड़ा रहा। ऐसा कहकर ललकारने लगा, लेकिन इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर पर भस्म धारण किए थे। उनके इस वेश को देखकर पृथु कुमार ने उन्हें धर्मात्मा पुरुष समझा, अतः उन पर उसने कोई बाण नहीं छोड़ा। इस तरह इंद्र का वध करने से पारणमुख राजकुमार को अत्रि ऋषि ने फिर उनका वध करने के लिए प्रेरित किया। वे बोले, हे वत्स, यज्ञ में विघ्न डालने वाले देवता अधम इंद्र को तुम अभी मार डालो। अत्रि मुनि के ऐसा कहने पर पृथु कुमार बहुत क्रुद्ध होकर आकाश मार्ग से जाते हुए इंद्र के पीछे इस तरह दौड़ा जिस तरह रावण के पीछे जटायु दौड़ा था। तब अतिशय स्वाधीन देवराज इंद्र यज्ञ के घोड़े को और उस वेश को त्याग कर उसके सामने ही अंतर्ध्यान हो गए और वीर पृथु पुत्र यज्ञ पशु को लेकर अपने पिता की यज्ञशाला में वापस आया। हे विदुर, उस राजपुत्र का अद्भुत पराक्रम देखकर महर्षियों ने उसका अभिवादन किया। हे विदुर, तब वहां घोर अंधकार उत्पन्न करके इंद्र ने यज्ञ स्तंभ में सोने की जंजीर से बंधे घोड़े का फिर हरण कर लिया। इसके बाद अत्रि ऋषि ने आकाश मार्ग से शीघ्रतापूर्वक भागते हुए इंद्र को फिर देख लिया, किंतु उसने कपाल खटवांग लिए इंद्र के मार्ग में किसी तरह की बाधा नहीं डाली। तब अत्रि मुनि के उकसाने पर राजपुत्र ने अतिशय क्रोधित होकर उसकी ओर बाण चलाया। ये परिस्थिति देखकर स्वाधीन देवता इंद्र उस घोड़े तथा उस रूप को त्याग कर उस जगह से अंतर्ध्यान हो गए। तब वीर राजकुमार यज्ञ का घोड़ा लिए पिता की यज्ञशाला में जा पहुंचे। इस तरह अश्वहरण की इच्छा से इंद्र ने जो जो रूप धारण किए थे वे सब पाप के खंड बन गए। इंद्र की इस चालबाजी का पता लगने पर अत्यंत पराक्रमी भगवान पृथु ने कुपित होकर अपना धनुष बाण उठा लिया और इंद्र पर छोड़ने के लिए बाण का संधान किया। क्रोध के कारण जिनके रूप की ओर देखना भी असंभव था तथा जिनका पराक्रम शत्रु के लिए असहाय था, उन राजा पृथु को इंद्र का वध करने के लिए उद्यत देखकर ऋषियों ने रोकते हुए कहा, हे महामते, यज्ञानुष्ठान के अवसर पर शास्त्र विदित यज्ञ पशु के अतिरिक्त और किसी का भी वध करना उचित नहीं होता। सो हे राजन, जो आपके यश से ही ईर्ष्यावश तेजोहीन हो रहा है, उस कार्य में विघ्न डालने वाले आपके शत्रु इंद्र का हम अमोघ मंत्रों द्वारा आह्वान करते हैं और उसे बलपूर्वक अग्नि में होम कर देते हैं। हे विदुर, तब महाराज पृथु के ऋषियों ने ऐसी सम्मति करके अति क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया। जब वे स्तुरा लेकर होम करने को उद्यत हुए तब ब्रह्मा ने वहां पहुंचकर उन्हें रोकते हुए कहा, हे ऋषियों, जिनको तुम इस यज्ञ द्वारा मार डालना चाहते हो वे यज्ञ नाम का इंद्र साक्षात विष्णु भगवान स्वरूप है। तुम यज्ञ द्वारा जिनकी पूजा करते हो वे सब देवता उसी के अंग हैं, अतः उसका वध करना उचित नहीं है। दोस्तों, इससे आगे की कथा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।